स्वागत है दोस्तों ऑटो एक्सट्रीम पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि हमारा गाड़ी का जो स्पीड रहता है वो मीटर पे नहीं दिखाता है तो उस केस में सेंसर खराब है, वायरिंग में दिक्कत है, ईसीयू में प्रॉब्लम है या फिर मीटर खराब है तो उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये तीन पिन वाला जो सॉकेट है वो आरपीएम वो स्पीडोमीटर सेंसर का है सॉकेट। फिर दोस्तों उसका हम वायरिंग चेक करेंगे। अभी इग्निशन ऑन है गाड़ी का और यहाँ पे हम उसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों तीन पिन है तो एक मेन पिन जो बैटरी का 12 वोल्टेज आएगा उसमें और एक है वो ग्राउंड रहेगा और तीसरा है वो सिग्नल का वायर रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक नंबर पे देखते हैं तो यहाँ पे 12.80 मतलब बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों, तो हमारा ये पॉजिटिव हुआ। उसके बाद दोस्तों दूसरे अभी दूसरा है बीच वाला, उसमें लगा है तो यहाँ पे आप देख सक दिखा रहा है तो बीच वाला ग्राउंड। दोस्तों लास्ट वाला है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.16 समथिंग दिखा रहा है। कभी दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट भी है, कभी 12 वोल्ट दिखाता है, वो गाड़ी के मतलब ईसीयू के डिज़ाइन के उस मुताबिक रहता है। तो दोस्तों तीनों वायर में हमारा कंप्लीट पावर आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है और सिग्नल आ रहा है, मतलब ईसीयू भी सही है और वायरिंग भी सही है। अभी दोस्तों सिग्नल उसका जो है सेंसर उसको चेक करेंगे। अभी सेंसर हमने निकाला था, अभी सेंसर कंप्लीट वापस लगा देते हैं गाड़ी में। उसके बाद सॉकेट है उसके अंदर बैक प्रॉप करना है, मतलब जो सिग्नल का वायर है उसको हल्का सा छिल के दोस्तों यहाँ पे हम वायर बाहर निकालेंगे और उसके बाद पीछे से उसको मल्टीमीटर टेस्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको सिग्नल लगा उसका सेंसर लगा के दिखाता हूँ। अभी दोस्तों इग्निशन ऑन कंडीशन है और उसका जो सेंसर है उसको कंप्लीट लगा दिया है और उसके पीछे जो सॉकेट रहता है उसको भी कंप्लीट लगा दिया है। और सॉकेट के पीछे दोस्तों जो हमारा सिग्नल का वायर था उसको हल्का सा छिल के वहाँ से एक वायर हमने ऊपर ले लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि काम करने में आसानी रहे। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये येलो कलर का ये वायर है, हमने जो सिग्नल का वायर था उसको बाहर लेके मल्टीमीटर का एक प्रॉप उसके ऊपर लगा दिया और दूसरा मल्टीमीटर का प्रॉप है उसको बैटरी का ग्राउंड दे दिया है। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट मल्टीमीटर में आपको 0 वोल्टेज शो करेगा, मल्टीमीटर को 20 डीसी पे रखना है। अभी दोस्तों हमारा कोई भी एक पहिया है उसको घुमाना है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका वोल्टेज है वो प्लस माइनस होगा। यहाँ पे हमने वैसे उसका पहिया खुल रखा है इसलिए डायरेक्ट एक्सल को घुमाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी एक पहिया है उसको आगे की तरफ घुमाना है तो यहाँ पे उसका है वोल्टेज प्लस माइनस होगा, आप देख रहे हैं। देखिए मतलब उसका दोस्तों सेंसर कंप्लीट चालू है। तो अभी दोस्तों हमारे केस में ईसीयू में वोल्टेज कंप्लीट आ रहा है, सेंसर वर्क कर रहा है, तो मतलब उसका जो मीटर है अंदर का तो उसको मीटर को चेंज करके देखना पड़ेगा। अभी दोस्तों हमारे केस में आपको मैंने दिखाया कि सेंसर ख़राब नहीं है, वोल्टेज प्लस माइनस हो रहा है, मतलब सेंसर कंप्लीट चालू है और वायरिंग में वोल्टेज ग्राउंड सब आ रहा है, तो ईसीयू में भी कोई दिक्कत नहीं है और वायरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट बचा दोस्तों उसका जो मीटर, तो अभी हमारे केस में मीटर खराब है उसको चेंज कर देंगे। बाकी सेंसर को कैसे चेक करना है वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।